तो नमस्कार दोस्तों, आज इस मुद्दे पे शायद ही कोई बात कर रहा है और इस मुद्दे को मैं लेकर आया हूँ। क्या लॉकडाउन 15 अप्रैल लास्ट होने वाला है या इसके बाद भी इसकी डेट एक्सटेंड हो सकती है? यहाँ पे पहले एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ मैं। पीएम जी के दो दिन पहले सभी सीएम के साथ बैठक हुई थी और उस बैठक के अंदर पीएम ने साफ कहा था कि ये लॉकडाउन 15 के बाद हटेगा, बट जो रेस्ट्रिक्शन है वो कायम रहेगी, यानी कि पाबंदियां लगी रहेंगी। और जी न्यूज ने साफ कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, लेकिन मोदी जी यहाँ पे ये कह रहे थे कि लॉकडाउन खत्म होगा लेकिन रेस्ट्रिक्शन रहेगा। मुद्दा कुछ समझ में नहीं आया। मोदी जी कुछ और कह रहे हैं, मीडिया मैनिपुलेट करे कुछ और कह रही है, बात किसकी माने हम? और इसी बात को भुना बुना कर यहाँ पे दो जी न्यूज ने अपने इस टॉपिक को भुना कर ट्रेंडिंग पेज पे कायम भी हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस दहशत के माहौल में मीडिया अपनी दुकान चला रही है और इस मुद्दे पे कोई बात नहीं कर रही कि आज स्टूडेंट्स की लाइफ को लेकर। मैं इस मुद्दे के खिलाफ नहीं हूँ, मैं लॉकडाउन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी भी मुद्दे के खिलाफ नहीं हूँ। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे बड़ा लॉस्ट यहाँ पे देश की इकोनॉमी के साथ साथ बच्चे के भविष्य के साथ भी हो रहा है। यहाँ पे स्टूडेंट्स का जो एग्जाम्स था उस पर कोई क्लियर कट अभी तक कोई भी नोटिस नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूँ आप सभी को, सीबीएसई एग्जाम्स जो डिले हुए थे, अभी दो तीन दिन पहले नोटिस आया कि लगभग 21 सब्जेक्ट के ऐसे एग्जाम्स हैं जो करवाए जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हो गया या दिल्ली के तमाम यहाँ पर सीबीएसई पूरे बोर्ड्स में वो करवाए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे मुद्दा यह आता है कि 15 अप्रैल के बाद ही सारे बोर्ड डिसीजन लेंगे, इससे पहले कोई नहीं। लेकिन 15 अप्रैल तक अभी भी ये डाउट क्लियर नहीं है कि लॉकडाउन रहेगा या नहीं रहेगा। मीडिया अपनी दहशत फैलाए रही है क्योंकि मीडिया का दुकान चल रहा है, आप घर में बैठे हो, क्योंकि इससे ज़्यादा परेशान वो इंसान है जो गरीब है। मीडिया का काम आपके अंदर दहशत फैला के अपने दुकानों को चलाना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी दोस्त ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कुछ भारतीय रिसर्चर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग भारत के पास दो ऑप्शन है। वो दो ऑप्शन क्या है, सबसे पहले ऑप्शन की बात करता हूँ मैं कि 15 अप्रैल के बाद कम से कम 5 दिन का लॉकडाउन हटाया जाए और उसके बाद फिर से 28 डेज का लॉकडाउन लगा दिया जाए। 28 डेज पूरे हो जाएंगे तो फिर से 5 दिन का लॉकडाउन खत्म किया जाए, देन उसके बाद फिर से 18 डेज का लॉकडाउन लगा दिया जाए और उसके बाद दोस्त हमारा 10 जून आ जाएगा, यानी कि 10 जून तक सारे मामले ये ठीक हो सकते हैं। यानी कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की हम पॉलिसी को यहाँ पे देखें, उनके सुझाव को देखें, उस भारत के अंदर यहाँ पे 5 दिन के गैप के साथ 28 डेज, फिर 5 दिन के गैप के साथ 18 डेज, लगभग 10 जून तक जाने वाला है। या तो मेरे दोस्त वो ऐसा कह रहे हैं कि बिना 5 दिन के गैप दिए हुए अभी से ही लगातार इस डेट को एक्सटेंड कर 49 डेज कर दिया जाए, और अगर 49 डेज ये होता है तो दोस्त आपका ये आधा जून निकल गया। और जब आप सोच सकते हो, क्योंकि 15 अप्रैल के बाद आपके एग्जाम्स होंगे, ऐसे कई अफवाह मीडिया पे फैली, कई अफवाह सोशल मीडिया पे फैली, कई यूट्यूब चैनल्स ने कहा, लेकिन क्लियर कट किसी ने नहीं कहा। यहाँ मेरे दोस्त सरकार अगर पहला ऑप्शन चूज करे या सेकंड ऑप्शन चूज करे, डेट एक्सटेंड होना ही होना है। और अभी कुछ हरकतों के कारण हमारे देश के अंदर कोरोना वायरस के संक्रमण बढ़ते गए और दोस्त ये आज ही आकर लगभग 3500 के आसपास पहुंच चुका है। अभी तक मेरे दोस्त लगभग 80 लोग मारे जा चुके हैं और अभी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर 10 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। और देख सकते हो आप कि अगर इस तरीके से ये संख्या बढ़ते जाएगी तो किसी भी कीमत पर आपका एग्जाम्स 15 अप्रैल के बाद नहीं होगा। आप ये सब समझ सकते हो, क्योंकि अब जुमलेबाजी का टाइम नहीं है, बात क्लियर कट करने की बात है। यहाँ पे मैं सरकार से दो सुझाव देना चाहूँगा। पहली बात तो ये, क्योंकि सीबीएसई वाले बोर्ड्स के ऑलमोस्ट एग्जाम्स हो गए थे, अब जो एग्जाम्स उनके रह रहे हैं वो कंडक्ट करवाने की डेट क्लियर कट सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि सरकार के हाथ में नहीं है। ये जो दोस्त माहौल चल रहा है ये किसी के हाथ में नहीं है, और ये कब ठीक होगा ये कुछ पता नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन अगर एक बार हट गया और जनता बाहर निकल गई, उससे कोरोना और ज़्यादा तेज से फैल गया, तो फिर से लॉकडाउन लगाना देश के लिए एक गंभीर समस्या हो सकती है। तो मेरा दोस्त यही कहना है कि ICS बोर्ड हो गया या NUS बोर्ड हो गया, जहाँ तक इनकी पढ़ाई करी और CBSE बोर्ड वाले स्टूडेंट भी गुना, इनके इंटरनल मार्क्स के बेस पर इनको पास कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये मुद्दा सबसे गंभीर है। जून के बाद जुलाई, अब यहाँ पे दोस्त आपका ये पूरे साल का आधा साल खत्म, कॉलेज के एडमिशन पहले जो आपको आगे करना है, यानी कि अगर बच्चा 10th में है तो वो 11th की पढ़ाई
ये सोचकर स्टार्ट नहीं करेगा कि अभी तो उसके एग्जाम्स खत्म ही नहीं हुए, एक दो एग्जाम्स रह रहे हैं, अरे अभी तो उसका रिजल्ट ही नहीं आया, कैसे होगा। तो यहीं पे ये बात हो रही है कि रिजल्ट ना आना ये समस्या नहीं है मेरे दोस्त, इसके साथ ये समस्या भी है कि आगे की पढ़ाई को लेकर भी बहुत समस्या आने वाली है। और चूंकि बच्चों को पास किया गया फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक, हाँ यहाँ पे 9th और 11th क्लास के बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, मैं दिल्ली सरकार के सुझाव का बहुत यहाँ पे सम्मान करना चाहता हूँ। और ये अच्छा भी रहा क्योंकि इंटरनल बेस पे कर दे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि समस्या किसी के काबू में नहीं है, CBSE बोर्ड हो या NUS बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो। मैं ये चाहता हूँ कि सभी बच्चों को नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाए, क्योंकि इससे ना कि अभी प्रेजेंट क्लास में वो हैं उस क्लास की और ना ही आगे क्लास की कोई भी यहाँ पे दिक्कत होगा। और प्रमोट करने का कोई वेस निकाला जाए, मैं सिंपल नहीं कह रहा ऐसे कि सही बच्चों को ऐसा कर दिया जाए, इसका एक बेस्ट वेस निकाला जाए। अगर बच्चों को इंटरनल मार्क्स के बेस पे, अगर बच्चों को कुछ और करिकुलम के बेस पे अगर निकाल आगे करके प्रमोट कर दिया जाता है दोस्तों इसी साल के लिए, क्योंकि आगे के वो कोर्सेज जो होंगे वो कर सकते हैं। मेरे दोस्तों ये मेरे अपने पर्सनल सुझाव है सिस्टम को देखते हुए, क्योंकि यहाँ पे आगे क्लास में जाने के बाद बच्चे पढ़ाई को लेकर बिल्कुल ही कभी गंभीर नहीं हो पा रहे समस्या को देखकर। और इस साल के जब अंत में बोर्ड एग्जाम होगा 12th वाले बच्चों का, उन पे इस पे इफेक्ट पड़ने वाला है, और दोस्त इससे भारत के तमाम बच्चों पर इफेक्ट पड़ेगा। बस मैं सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि कोरोना वायरस के कहर से हम सब एक के डर में है, लेकिन हम सब एक यूनिटी में भी हैं, लेकिन बस मीडिया जो दहशत फैलाने का काम कर रही है, मैं दोस्त बताऊं इससे ज्यादा इफेक्ट गरीब लोग हुए हैं। और मीडिया ऐसे बोलती है कि बंदे कोरोना वायरस से छोड़ो उनके दहशत से ही मर जाए। तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा फेक मीडिया और दोस्तों फेक चैनल्स और फेक न्यूज से अपने आप को सावधान रखें। सरकार से ये भी गुजारिश है कि प्लीज कि इस बार के लिए बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके कि प्रमोशन देकर प्रमोट करके उनको नेक्स्ट क्लास के लिए प्रमोट कर दिया जाए, ताकि वो अपने घर में ही अभी नेक्स्ट क्लास की स्टडी स्टार्ट करें, क्योंकि पहले क्लास की रिजल्ट भी नहीं, नेक्स्ट क्लास का कुछ भी नहीं। तो दोस्त यहाँ पर मेरी गुजारिश रहेगी, बाकी और जो बोर्ड्स के एग्जाम जैसे DUSL हो गया, IGNOU हो गया, इन सब के लिए एक एक्स्ट्रा करिकुलम निकाला गया और उस करिकुलम के अकॉर्डिंग इनके एग्जाम्स जो है वो मई में तय किए गए हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा ये तो सरकार डिसाइड करेगी। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि किसी भी बच्चे का भविष्य खराब ना हो, इस कोरोना वायरस से हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर कुछ भी होता है तो हमारी इकोनॉमी के साथ हमारी लाइफ पे इफेक्ट पड़ेगा, और ये मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है जिसको दोस्त आज मीडिया कोई कवर नहीं दे रही, और मैं चाहता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाया जाए। और अगर आप मेरी इस मुद्दे से सहमत है, मैंने दोस्त मैं आपको क्लियर करके कह देना चाहता हूँ, मैं किसी भी मुद्दे के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि जो बच्चा पढ़ लिख के मेहनत कर रहा है और जिसने कुछ भी मेहनत नहीं किया फिर भी उसको आगे प्रमोट कर दिया जाए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि एक वेस निकाला जाए, और वेस ये हो कि एक्स्ट्रा करिकुलम के अकॉर्डिंग इंटरनल बेस के अकॉर्डिंग को आगे निकाल प्रमोट कर दिया जाए, ताकि वो अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू रखें, अपने आगे का जो उनको प्लान है वो कंटिन्यू रहे, इससे उनका साल बचेगा। और ये मुद्दा ये पूरे भारत के मानव जाति के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, और ऐसा करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है अगर हालात काबू नहीं हुए। अगर दोस्त कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के 49 days की हमने प्लान यहाँ पे लागू कर दिया तो शायद ये इम्प्लीमेंट होकर रहेगा, और 15 अप्रैल के बाद, क्योंकि मोदी जी का दोस्त साफ कहना उन्होंने कहा 15 अप्रैल के बाद लॉकडाउन हटेगा लेकिन रेस्ट्रिक्शन रहेगी। ये कैसा लॉकडाउन हुआ भाई, लॉकडाउन का मतलब तो रेस्ट्रिक्शन है यार, तभी तुम घर में बैठे हैं आज है? क्या हम फॉलो नहीं कर रहे रूल्स को, रूल्स को फॉलो तो कर रहे हैं दोस्त, क्लियर कट रहे। एग्जाम्स होंगे तो वो भी बताओ, नहीं होंगे तो वो भी बताओ, सरकार के पास आगे क्या प्लान है तो वो भी बताओ। दोस्त इकोनॉमिक पे तो पड़ रहा है इफेक्ट, यहाँ पे स्टूडेंट्स की जो भविष्य है उस पे साथ खिलवाड़ ना हो, उनको बनाए रखे कामयाब रखा जाए। और दोस्त मेरे जितनी मुहिम होगी जो अपने नेक्स्ट ईयर की अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं दोस्त, मैं उनको खुद पढ़ाऊंगा अपने मनीष वर्मा LPA चैनल पे। तो दोस्त ये मेरा नया चैनल है, तो हाथ जोड़कर विनती करूंगा जहां तक हो सके इस मुद्दे को शेयर करें और मेरा सपोर्ट करें, ताकि इस मुद्दे को मैं और उठाता रहूं और आप सबके साथ ऐसे नए नए मुद्दे लेकर आता रहूं जिनको दोस्तों मीडिया अब तक दबाते रहा है। चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज सपोर्ट करें, इस मुद्दे को दबाए ना, शेयर करें। जय हिंद जय भारत।